संपूर्ण स्वास्थ्य का विज्ञान एवं दर्शन आयुर्वेद। इस आयुर्वेद के रहस्य को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं, वार्ता कर रहे हैं और हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको आयुर्वेद के गुण रहस्यों से रूबरू कराएं। और मैं ये कह सकता हूं कि आयुर्वेद अपने आप में एक संपूर्ण चिकित्सा विज्ञान है। जब हम बात करते हैं संपूर्ण चिकित्सा विज्ञान की, तो कई बार लोगों के मन में ये बात आती है, क्या हम किसी के साथ दूसरे अन्यों का विरोध कर रहे हैं, या क्या हमारा क्या और पैथियों से संघर्ष है। इस विषय में मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि ये कभी भी मन में ना लें कि आयुर्वेद का किसी भी अन्य चिकित्सा पद्धति के साथ में ना कोई संघर्ष है, ना कोई विरोध है, ना कोई कंपटीशन है। हम कोई किसी पद्धति के साथ में आयुर्वेद का संघर्ष नहीं मानते हैं, और हम ये मानते हैं कि जब रोग अत्यंत प्रबल अवस्था में हो, जिसको हम कहते हैं कि उसे नियंत्रित करने के लिए जो एक्यूट मैनेजमेंट है, जैसे कि आज एक्यूट मैनेजमेंट के लिए हमको एलोपैथिक का सहारा लेना पड़े तो लेना चाहिए, ये बुद्धिमत्ता है। तो हम विज्ञान के विरोधी नहीं है, हम साइंस के विरोधी नहीं है, परंतु हम विज्ञान के नाम पर जो ढोंग पाखंड ढकोसला है, हम उसके विरोधी हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि अत्यंत प्रबल अवस्था में तो आदमी को रोग के कंट्रोल करने के लिए आपको मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम के अंदर यदि आपको कोई दवाई लेनी पड़े या आवश्यकता पड़े, जैसे मैं कहूँ कि एकदम बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन है, हाई बीपी बढ़ा हुआ है, हालांकि मुक्तावटी बहुत ही बढ़िया है, इसके लिए आप योगासन प्राणायाम करें तो बीपी को आप कंट्रोल कर सकते हैं। परंतु ऐसा नहीं कि बीपी बढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा बीपी है, मैं ये नहीं कहूँगा कभी भी कि आप उसी दिन से यदि आपने योग करना शुरू कर दिया तो पहले दिन में एलोपैथिक दवाई बंद कर दो। हम नहीं कहेंगे कि उसी जिस दिन आपने आयुर्वेदिक दवाई शुरू कर दी उसी दिन आप एलोपैथिक बंद कर दीजिए, बिल्कुल भूल नहीं करना, ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। परंतु हम इस बात को भी पूरी प्रामाणिकता के साथ कहते हैं कि जिंदगी भर आपको बीपी की गोली की खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यानी धीरे धीरे जब आप अपनी एलोपैथिक डोज को बीपी मपाते हुए चेक कराते हुए, ऐसी गलती नहीं करना कि आपको बीपी हाई है परंतु पता चला कि आपने बीपी चेक करवानी छोड़ दी, या आपको कोई कार्डिक डिजीज है, कार्डिक प्रॉब्लम है तो पता चला कि आपने दिखाना ही बंद कर दिया, ऐसी गलती मत करना। कुछ ऐसे डिजीज हैं जहां तो हमको फिजिकली पता चल जाता है, जैसे आपको अर्थराइटिस है तो अर्थराइटिस के लिए तो पता चल जाता है कि स्वेलिंग है, दर्द है, बार बार एक्सरे या आपको किसी तरह से MRI ना भी कराएं, कोई ज़रूरी नहीं है फालतू में पैसा खर्च करना। परंतु हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, हार्ट की ट्रबल है तो ज़रूर आपको चेक करा लेने चाहिए, क्योंकि उसमें एकदम बाहर से शरीर देख के पता नहीं चलता है। तो जैसे मैंने कहा कि आपको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है या कार्डिक प्रॉब्लम है, तो उस स्थिति में आप एलोपैथिक दवाई को एकदम ना छोड़िए। अभी हम लोगों ने एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की हम बात करते हैं, हमने अभी हृदयामृत की अभी क्लिनिकल ट्रायल तो हमारी पहले से हो ही रही थी, क्योंकि वो सदियों से, वर्षों से, सहस्रों वर्षों से आयुर्वेद में प्रयुक्त औषधियां हैं, तो क्लिनिकल तो चल ही रही हैं। आज हमारे पास जो PMR हमारा जो डाटा सेंटर है उसके अंदर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारे पास आज 80 लाख से ज़्यादा रोगियों का डाटा और रिकॉर्ड है, जो दुनिया के बहुत सारे असाध्य या कष्ट साध्य या बहुत जटिल रोगों से ग्रसित रोगियों का डेटा है। उनमें से लाखों लाखों रोगी ऐसे हैं जो पूरी तरह से आज ठीक हैं। उसके बाद में भी जो एक्यूट मैनेजमेंट की बात है, हम फिर निवेदन करते हैं कि सहजता से उस चीज़ को शरीर में, जैसे आपकी शरीर की प्रकृति धीरे 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 ठीक होने की तरफ हो, उसी तरह से वो भी डॉक्टर के परामर्श से आप अपने BP शुगर चेक कराते हुए दवाई कम कर दीजिए, आप अपनी दिनचर्या को बदलोगे, आप अपने योग आसन प्राणायाम उस पर ध्यान दोगे,
कुछ आयुर्वेदिक औषधियां लेनी शुरू कर दोगे तो हम ये कह सकते हैं कि योग, प्राणायाम और आयुर्वेदिक औषधियां ही एकमात्र ऐसा उपाय है कि जो इन रोगों से आपको पूर्णतया मुक्ति प्रदान कर सकता है। यानी कि बीपी ठीक करने के लिए योग और आयुर्वेदिक ही उपाय है। इसका मतलब ये नहीं है कि जिस दिन योग शुरू कर दिया उस दिन दवाई छोड़ दी। या अर्थराइटिस ठीक करने के लिए ठीक है, दर्द हो पेनकिलर ले लो, नहीं तो फिर तो जरूरत नहीं पड़ेगी। परंतु डायबिटीज के लिए पहले दिन से दवाई नहीं छोड़नी है। यही मेरा निवेदन है कि इस तरह के रोगों को पूर्णतया ठीक करना चाहते हैं तो योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, जो हमारे उपाय हैं, जो ऋषियों ने जिनका वर्णन किया है, यही श्रेयस्कर है। इसी कारण से हम चाहे वो हाइपरटेंशन है, चाहे वो अर्थराइटिस है, चाहे वो अस्थमा है, चाहे हार्ट की प्रॉब्लम है, चाहे थायराइड की प्रॉब्लम है, तो उसको हम रोकथाम या हम सिर्फ कंट्रोल की बात नहीं करते हैं कि ये दवाई आयुर्वेदिक दवाई से तुम्हारा कंट्रोल नहीं। जबकि मॉडर्न मेडिकल सिस्टम के अंदर में क्योर शब्द का प्रयोग करना अपराध है। हमारे जो रेमेडी एंड ड्रग जो एक्ट है उसके अंदर भी लिखा है कि बहुत सारी बीमारियों के नाम पे यदि आप कह देते हैं कि ये ठीक हो जाती हैं तो वो अपराध माना जाता है। पर मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, क्योंकि भारत में तो फिर भी हम कह देते हैं कि ये कंट्रोल हो जाता है, क्योर हो जाता है, हम लोग कह देते हैं, पर विदेशों में बहुत ही इसको ये इंटरेस्टिंग बात है और आपको जानने की बात है, उसको बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। तो किसी ने लोगों ने कहा कि स्वामी जी जब हम वहाँ योग शिविर लगा रहे थे, बोले ऐसी गलती मत करना कि लोगों को मत कहना कि बीपी ठीक हो जाता है, शुगर ठीक हो जाता है। बोले ऐसा कहेंगे तो यहाँ पर तो इसको अपराध माना जाता है। तो स्वामी जी ने कहा जी अच्छा। तो दूसरे दिन तीसरे दिन दो तीन दिन योग कराते हो गए, बहुत सारे लोग पहले से योग करते थे, योग करते फिर उन लोगों ने कहा, स्वामी जी ने कहा उन लोगों से कि भाई ये बताओ कि बीपी किस किस को था, योग करने से कितनों का बीपी ठीक हो गया। तो बहुत सारे सैकड़ों लोगों ने हाथ उठाया। फिर स्वामी जी ने कहा भाई जिनको शुगर की परेशानी थी अब बिल्कुल औषधि नहीं ले रहे फिर भी ठीक है कितने हैं, तो भी जो है 50 भाइयों ने हाथ उठाया। तो स्वामी जी ने कहा कि मैं नहीं कहता हूँ कि योग करने से बीपी ठीक होता है, मैं ये भी बिल्कुल नहीं कहता हूँ कि योग करने से डायबिटीज ठीक होता है, पर ये लोग कहते हैं कि हमने योग किया हमारी शुगर ठीक हो गई, हमने योग किया हमारा बीपी ठीक हो गया। तो भाई तुम जानो और ये जाने, यानी हमने अपनी बात भी कह दी और अपनी बात को जो लोग ठीक हुए थे, जो बीमार था यदि वो कह रहे हैं कि मैं फिजिकली फिट हूँ, मेरा मेडिकल रिपोर्ट बिल्कुल एकदम बेहतरीन है, तो इसमें फिर कोई शंका की या कोई प्रश्न की कोई बात नहीं है। परंतु चीज़ों को क्रियाओं को हम ठीक से करें। इस विषय में एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि जब आप योग और आयुर्वेद की बात करते हैं, सही योग हो, सही आयुर्वेद हो, सटीक जो हमारे यहाँ वात पित्त कफ आदि दोषों के अनुसार और उचित औषधि और उसके लिए संबंधित औषधि यदि ये आप ले पाएंगे तो ही ठीक हो पाएंगे। तो आयुर्वेद से ठीक हो सकते हैं पर सही आयुर्वेद से, ध्यान रख लेना। योग से ठीक हो सकते हैं पर सही योग से, गलत योग कर करके रोग बढ़ाने से, गलत आयुर्वेद खा करके बीमार होने से, वो आयुर्वेद का दोष नहीं है। वह जब, क्योंकि इस विषय में मैं थोड़ा और भी निवेदन कर देना चाहता हूँ, जब एलोपैथिक की बात होती है तो पूरी दुनिया में, जैसे आपने देखा कि कोरोना फैला तो पूरी दुनिया में WHO से गाइडलाइन हुआ कि क्या क्या मेडिसिन हमको ट्रायल करना चाहिए, क्या क्या दवाइयाँ देनी चाहिए। तो पूरी दुनिया में उसी तरह की चिकित्सा पद्धति पूरी दुनिया के लोग प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, वो कितना ठीक कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, नहीं हो रहा है, वो अलग बात है। परंतु आयुर्वेद में ऐसा नहीं है कि एक रोग के लिए यदि आप 10 वैद्यों के पास जाएंगे 10 तरह की दवाई देंगे। क्योंकि हम लोग शायद क्लिनिकल कंट्रोल या जो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन बनाना था, हम परंपरा में ही रह गए, हमने आधुनिक की परंपरा के अनुसार उसके ऊपर काम नहीं किया, रिसर्च नहीं किया। दुर्भाग्य से बायोसेफ्टी लेवल 3 लेवल का लैब हमारे पास है, बायोसेफ्टी लेवल 2 का हमारे पास लाइसेंस है, हमारे पास साइंटिस्टों की फौज है, परंतु एकमात्र ऐसा देश का आयुष के पास भी नहीं है, किसी CCRS के पास भी नहीं है ऐसा लैब। तो ये इस देश का दुर्भाग्य है। तो पतंजलि अपने बलबूते पर, अपने सामर्थ्य पर इस तरह का लैब निर्माण कर करके हम चला रहे हैं। तो इस तरह के अनुसंधान संस्थान
ऐसे चाहिए, कई जगह पर होनी चाहिए, देश में अनेक स्थानों पर होनी चाहिए, तो ये बहुत जरूरी है। तो इसके लिए कि आप गलत औषधि के सेवन से कभी ये मत कहिएगा कि हमने आयुर्वेद लिया था हम ठीक नहीं हुए, तो मेरा निवेदन ये है कि सही औषधि लीजिए और आप बहुत बीमारियों से बच सकते हैं, ठीक हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि हमारे पास जो PMR जो सॉफ्टवेयर है सिस्टम के अंदर पूरे जो जिन पेशेंट्स को हमने ठीक किया है उनके पूरे वैज्ञानिक दस्तावेज हैं हमारे पास, उनके प्रूफ प्रमाण हैं और इस दिशा में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। हमारे पूरे वैज्ञानिक और हमारे रिसर्चेज, हमारे बहुत सारे पेपर कंटिन्यू वर्ल्ड के टॉप लेवल के जर्नल्स में नेचर से लेकर के बायोमोलिकुल्स से लेकर के वायरोलॉजी से लेकर के टॉप लेवल के जनरल में सेल से लेकर के अनेक, और हमको ये कहते हुए भी खुशी है कि पूरे भारतवर्ष में जितने आयुर्वेद के ऊपर जो रिसर्च पेपर पूरे देश के नहीं छपते हैं उससे ज़्यादा आज पतंजलि की रिसर्च पूरी दुनिया के अंदर प्रामाणिकता के साथ छापा जाता है। इसीलिए मेरे भाई आग्रह को छोड़ करके कई लोग इतनी बातें, इतने प्रमाण, इतना काम देने के बाद में भी यदि आप दुराग्रह में रहते हैं तो उस दुराग्रह का जो दुराग्रह से जो हानि है वो आपको हानि होगी। इसीलिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आयुर्वेद न केवल सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट नहीं है, ये लाक्षणिक ट्रीटमेंट नहीं है, ये सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट है, ये संस्थानिक ट्रीटमेंट है। हम आयुर्वेद के अंदर संपूर्ण जो शरीरगत, शरीर के परे भी, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम मन आत्मा की भी बात करते हैं और रोग के लिए हम प्रज्ञापराध को कारण मानते हैं, यानी कि हम शारीरिक रोगों के लिए सिर्फ शरीर को ही कारण नहीं मानते हैं, हम मन को भी कारण मानते हैं, उस लेवल पर चिकित्सा की बात आयुर्वेद करता है। इसलिए आयुर्वेद बहुत गहन, गूढ़ और बहुत परम वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति है। तो एलोपैथिक में ठीक है, मैं मानता हूँ कि जो तुरंत जो सिम्टम्स हैं, यानी कि जो एलोपैथिक के अंदर जो तुरंत लक्षण का समन कर करके आयुर्वेद एलोपैथिक में चिकित्सा पहुंचाई जाती है, लाभ पहुंचाया जाता है, ठीक है, परंतु हम उसको ही पर्याप्त नहीं मानते हैं। तो इसीलिए जो एक्यूट मैनेजमेंट के अंदर एलोपैथिक ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर तत्काल जो सिम्टम्स हैं उसको जब कंट्रोल करने की बात आती है वो कंट्रोल करते हैं, पर हम सिस्टम को ठीक करते हैं, करेक्ट करते हैं। इसीलिए जो क्रॉनिक और जो चैलेंज केसेस हैं एक्यूट मैनेजमेंट में एलोपैथिक ठीक है, पर क्रॉनिक और चैलेंज केसेस में इसीलिए आयुर्वेद बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए हम उस रोग के मूल कारण को पहचानते हैं, फिर उसको समूल नष्ट करने का हम पूरा प्रयास करते हैं, समूल नष्ट भी करते हैं, और जब रोग का कारण ही खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, तो निश्चित रूप से वो तो जो बीमारी है वो तो अपने आप ही ठीक हो जाएगी, तो उसका रोग का जो सदा सदा के लिए उसका निवारण हो जाता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति है वो सिर्फ लक्षण आधारित या जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट नहीं है, सिम्टोमेटिक चिकित्सा नहीं है, ये संस्थानिक यानी सिस्टमेटिक या दोषों पर आधारित चिकित्सा पद्धति है। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि इस विषय को बात करूँ तो आधुनिक जो चिकित्सा पद्धति है, जो मॉडर्न मेडिकल सिस्टम है, उसके एक जो बहुत बड़ा जो कमज़ोर पक्ष यही है कि वो मात्र रोग से उत्पन्न वाले उपद्रव को नियंत्रित करने के लिए वो तुरंत प्रभाव तो दिखाती है, पर जो दीर्घकालिक जो उसका दुष्प्रभाव है वो शरीर में भी छोड़ जाती है। इसलिए हम लोग आयुर्वेद को निरापद मानते हैं। निरापद तो देखो दुनिया में कुछ भी नहीं है, परंतु एलोपैथिक अत्यंत हानिकारक है। हम रोटी खाते हैं, हम प्रतिदिन भोजन करते हैं, पर यदि आप बिना पका हुआ भोजन खा लें, कच्चा खा लें, या ढंग से नहीं बना हुआ वो खा लें, तो वो भी शरीर में गड़बड़ करता है। तो इस तरह से बहुत दीर्घकालिक दुष्प्रभाव आयुर्वेद से नहीं होता है। तो इसके सबसे बड़ी, जैसे मैंने बताया कि आयुर्वेद की जो विशेषता है कि किसी प्रकार का कोई भी रासायनिक, चाहे वो कोई केमिकल है या लवणीय जिसको हम साल्ट बोलते हैं, या हार्मोन है, या किसी भी तरह का असंतुलन है, या जो भी जीवाणु, जो बैक्टीरियल प्रॉब्लम है या वायरल है, अभी आप देख रहे हैं कि बहुत ज़बरदस्त एक ये वायरल अभी चल रहा है, इन्फेक्शन है, उन सबको नियंत्रित करने की बात हो, या किसी तरह का दर्द वगैरह हो रहा है उसका मैनेज करना है, तो इस सारी चीज़ों में जो है चिकित्सा पद्धति में रोकथाम के लिए, नियंत्रण के लिए, मैनेजमेंट के लिए, उसको सबके लिए मैनेजमेंट शब्द का प्रयोग होता हुआ,
वहां पर ट्रीटमेंट नहीं होता, वो सब रोगों के लिए मैनेज करी जाती है, वो तत्काल दुष्प्रभाव को रोकने की बात की जाती है, पर हमारे यहाँ मैनेजमेंट जैसा शब्द नहीं, हमारे यहाँ चिकित्सा जैसे शब्द हैं, जैसे उच्च रक्तचाप हो गया, मधुमेह हो गया या दर्द निवारण हो गया, इन सब में मैं ऐसा बात करते कि हम आयुर्वेद में रोगों को नियंत्रित करने के साथ साथ में हम जिस कारण से रोग हो रहा है उसको मूल कारण का निवारण कर करके रोग को पूर्णतः निर्मूल करते हैं। और उसके साथ साथ में ये भी प्रयास रहता है, जैसे एलोपैथिक में रोग तो ठीक हो गया, वो उस समय की मजबूरी है, पर उसको रोग ठीक करते करते विविध तरह के रोग के जो साइड इफेक्ट है, रोग के उसके साथ में दूसरे रोगों की उत्पत्ति वो हो जाते हैं। पर जब हम आयुर्वेद के हिसाब से चिकित्सा करते हैं तो हम ये ध्यान रखते हैं कि किसी भी तरह से उसका साइड इफेक्ट ना हो, यह आयुर्वेद की सबसे बड़ी विशेषता है। अथवा आयुर्वेद और जो आधुनिक चिकित्सा पद्धति में मूलभूत यही अंतर है कि आयुर्वेद में शरीर की जो मूल कोशिका होती है, जिसको स्टेम सेल भी कहते हैं हम लोग, वहाँ से लेकर के कोशिका है, ऊतक है, अंतस्रावी जो ग्रंथियाँ हैं, आंतरिक जो अवयव हैं, उन सब से लेकर के जो पूरे शरीर तंत्र को हम शक्ति प्रदान करते हैं, औषधि से हम शुद्धि देते हैं और उसको पूरा संतुलित करते हैं। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि आयुर्वेद बहुत प्राचीन है, प्राचीन पद्धति का बहुत पुरानी चिकित्सा पद्धति है, मानव सभ्यता के जीवन के साथ जुड़ी हुई पद्धति है। उसके साथ में आयुर्वेद वर्तमान में भी उतना ही प्रासंगिक और वैज्ञानिक है। हमको ये समझना होगा कि यह निर्विवादित सत्य है कि हमको योग और आयुर्वेद की प्राचीनता को स्वीकार करना होगा, इसकी सत्यता को, इसके विज्ञान को। और एक बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ, हमारे लिए गर्व और गौरव की बात होनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अभी हमको कहा कि यह आयुर्वेद को बढ़ाने का, आयुर्वेद के गौरव और आयुर्वेद के विज्ञान को स्थापित करने का ये समय आ गया है, तो ये बड़ी बात है। तो मैं इसलिए, क्योंकि ये आयुर्वेद पूर्ण वैज्ञानिक है, परंतु यह भी स्मरण रहे कि हमारे ऋषियों की देन है। जब आयुर्वेद बढ़ता है, आयुर्वेद दुनिया में पहुंचता है, तो हमारी संस्कृति भी पहुंचती है। ये विशुद्ध रूप से भारतीय ऋषियों की जो देन है, इसीलिए हम कहते हैं सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, यानी कि यजुर्वेद में स्वयं भगवान कहते हैं कि ये पूरी दुनिया की ये प्रथम संस्कृति है, ये दुनिया की भारतीय मनुष्यों ने जो विश्व को विविध क्षेत्रों में बहुत दिया है। यदि आप प्राचीन काल की यदि बात करते हैं तो आप देखिए, जो शिक्षा की बात है, स्वास्थ्य की बात है, कानून की बात है, राज्य व्यवस्था की बात है, इन विविध विषयों में इनकी जो हमारी जो प्राचीन ऋषियों की जो देन है, चाहे वो शल्य में सुश्रुत की बात करें, चाहे राजनीति में चाणक्य की बात करें, एक एक हमारे यहाँ हमने सब कुछ दिया। यानी कि जितने भी तरह की आज दुनिया के अंदर, चाहे वो खगोल है, चाहे भूगोल है, चाहे चिकित्सा है, चाहे स्वास्थ्य है, ये सब जो ऋषियों की जो देन है वो अतुलनीय है, विश्व के लिए अनुकरणीय है। दुर्भाग्य से आज हमारी नई पीढ़ी भी हमारी प्राचीन ऋषियों के उस देन को, उस उनके योगदान को, अवधारणा को नहीं समझते हैं। न समझने की वजह से आज हम हर काम में, हर अनुसंधान में, हर चीज़ों में हम विदेशियों का अनुकरण करते हैं। हमको लगता है हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं है, जो कुछ अच्छा विदेशियों का है, ऐसा नहीं है। जो कुछ अच्छा है या था वो हमारा था, और जो कुछ विदेशों से भी आ रहा है वो हमारा, जो हमने भुला दिया था वो आज उन्होंने उसके ऊपर अनुसंधान किया तो हमारी चीज़ हमको ही सौंपा जा रहा है। इसके लिए मैं एक बड़ा प्रमाण आपको देना चाहता हूँ कि अब एक, जैसे हम सब जानते हैं कि योग तो हमारी ही है, आयुर्वेद हमारा है, तो अभी आयुर्वेद को लेकर के भी अब चाइनीज पद्धति को ज़्यादा लोग जानते हैं। जड़ी बूटी की बात आती है तो लोग चाइनीज पद्धति की बात करने लगे, अब योग की बात आती है तो एक ऐसा तबका जर्मनी में और एक ऐसा तबका यूके के अंदर है जो इस रिसर्च के लिए लगा हुआ है, इस अनुसंधान के लिए लगा हुआ है कि वो ये सिद्ध करने के लिए प्रयास कर रहा है कि योग की विधाएं वो भारत की विधा नहीं है, वो योग की विधा वो यूरोपियन देश या यूके की विधा है, इसके लिए भी काम कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम अपनी विधा को भूल जाएं और दुनिया कहीं हमसे आगे हमारी विधाओं की चोरी कर करके वो ना कहें कि हमारी विधा है। इसी क्रम में मैं निवेदन करना चाहता हूँ, चाहे वो व्यक्ति के निर्माण से लेकर के आदर्श परिवार की परंपरा है, आदर्श समाज की बात है, आदर्श राष्ट्र की बात है, या आदर्श युग निर्माण तक की भी, युग निर्माण की भी कल्पना हमारे ऋषियों ने, हमारे महापुरुषों ने किया, तो ये हमारा बहुत ऊँचा दर्शन, आध्यात्मिक दृष्टिकोण,
जो हमारे पूर्वज ऋषि ऋषिकाओं ने हमको दिया है, इसी प्रकार एक आदर्श पूर्णतः वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति भी हमारे ऋषि मुनियों की ही देन है। तो ये इसका हम कभी ना भूलें। आधुनिक चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद की तुलना में इतनी पुरानी नहीं है, परंतु आज हम आयुर्वेद के अंदर जो भी वर्णन है, 3,000, 4,000 साल, 5,000 साल पहले के जो आयुर्वेद के जो ग्रंथ लिखे गए हैं, उनके आधार पर हम आज भी चिकित्सा करते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आयुर्वेद का जन्म मनुष्य के जन्म से हुआ है, जब वैदिक काल से ही है। इसीलिए आविष्कर्ता को हम ब्रह्मा जी से मानते हैं और राज ऋषि के रूप में भगवान धन्वंतरी को मानते हैं। इसीलिए हम अपने प्राचीन ऋषि मुनियों के जो बौद्धिक स्तर का मूल्यांकन करने का प्रयास करें तो हमको महसूस होगा और आश्चर्य के साथ हर्ष भी होगा कि हमारे पूर्वजों का ज्ञान, जीवन, चरित्र बहुत ही उज्ज्वल था, बहुत महान था। आज चिकित्सा विज्ञानी रोग जिनका मूल कारण की विवेचना करते हैं, वो सब उन्हें उस समय पर विदित थे। तो इसीलिए जैसे कि आज के जो चिकित्सा विज्ञान में रोग का मूल कारण 7 कारण माने जाते हैं, तो इन कारणों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। और मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे ऋषि लोगों की जो विशेषता थी या जो उनका जो विज्ञान था, आइए आज समय आ गया है कि हम उस पर ध्यान दें, आग्रह छोड़ करके अपने ऋषियों के अनुसरण करें, अनुगामी करें और आयुर्वेद जैसी विधा को पुनर्स्थापित करने के लिए हम कम से कम अपने घर में और साधारण रोगों में हम केमिकल की जगह पर प्राकृतिक और जड़ी बूटी आश्रित चिकित्सा पद्धति का आश्रय ले लें। ऋषियों के ज्ञान से लेकर प्रकृति के वरदान तक, आयु के विज्ञान से लेकर आयुर्वेद के सिद्धांत तक, प्राचीन चिकित्सा पद्धति के हर पहलू का प्रासंगिक विवेचन ऋषिकल श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी द्वारा सरल भाषा में स्वरचित सृजन, हिंदी अंग्रेजी सहित विश्व के 70 से अधिक भाषाओं में लाखों की संख्या में प्रकाशित बेस्ट सेलर अद्वितीय ग्रंथ आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य, आज ही घर लाएं, आयुर्वेद से स्वस्थ जीवन का आधार पाएं।